हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आदित्य L1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदित्य L1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन की लॉन्च की तिथि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर दो, आदित्य L1 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है? इसरो, नासा, कासा या स्पेस एक्स? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा? कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर या इनमें से सभी? तो आदित्य L1 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कोरोना। आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना परत का अध्ययन करेगा। सूर्य का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको कोरोना कहते हैं। आदित्य L1 सूर्य के सबसे बाहरी परत कोरोना का ही अध्ययन करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? PSLV C-57 रॉकेट, GSLV, LVSM, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV C-57 रॉकेट का प्रयोग किया गया है आदित्य L1 मिशन में। क्वेश्चन नंबर फाइव, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को किस पॉइंट पर स्थापित किया गया है? L1 पॉइंट पर, L2 पॉइंट पर, L3 पॉइंट पर या L5 पॉइंट पर? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, L1 पॉइंट पर। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 भी रखा गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आदित्य का नाम केवल आदित्य 1 रखा गया था, लेकिन जब इसको L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया फिर इसका नाम आदित्य L1 रख दिया गया। आदित्य L1 मिशन का बजट क्या है? 5.5 करोड़ US डॉलर, 4.3 करोड़ US डॉलर, 2.7 करोड़ US डॉलर या 6 करोड़ US डॉलर? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 5.5 करोड़ US डॉलर। क्वेश्चन नंबर सेवन, आदित्य L1 किसका मिशन है? सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का या शुक्र का? तो आप सभी जानते हैं इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1 किसका है? सूर्य का एक मिशन है। सूर्य का अध्ययन करने वाला, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? चंद्रयान 3, आदित्य, आदित्य L1 या सूर्य 1? इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1। आगे बढ़ते और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, आदित्य L1 को किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम या बेंगलुरु से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? लेटिट्यूड, लैंग्रेंज, लोअर या लेवल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L से क्या मतलब है? लैंग्रेंज, L1 को हम क्या बोलते हैं? लैंग्रेंज पॉइंट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु या दिल्ली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 12,
L1 पॉइंट और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलियन किमी, 1.5 मिलियन किमी या 50 लाख किमी? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे देख ले, 1.5 मिलियन इक्वल टू 50 लाख होता है, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए ही ऑप्शंस बनाया गया है कि 1.5 मिलियन होगा या 15 लाख होगा। तो इसलिए ये दोनों ही सेम है, बस लैंग्वेज का थोड़ा अंतर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। तो 12 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु हैं जहां वस्तुएं अंतरिक्ष में रहती हैं? 3, 5, 7 या 1? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जिसका नाम है L1, L2, L3, L4, L5। ये पांचों क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 14। आदित्य L1 मिशन के लॉन्च से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की हालिया उपलब्धि क्या थी? सफल चंद्रयान अभियान, चंद्रयान 3, मंगल ग्रह पर रोवर की लैंडिंग, संचार उपग्रह का प्रक्षेपण या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को पता होगा, बहुत ही न्यूज में था, चंद्रयान 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सफल चंद्र अभियान चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी बात आदित्य L1 को अंतरिक्ष ऑब्जर्वेटरी में अद्वितीय बनाती है? यह पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है, यह अब तक लॉन्च की गई सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, इसे दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आदित्य L1 ही ऐसा है जो पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। क्वेश्चन नंबर 16। वह गणितज्ञ कौन है जिसके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट का नाम रखा गया है? जोसेफ मार्टिन लैग्रेंज, अल्बर्ट लुइस लैग्रेंज, जोसेफ लुई लैग्रेंज या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लुई लैग्रेंज। देखिए तीनों नाम ही बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान दीजिएगा इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लुई लैग्रेंज, जिनके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17। किसी छोटी वस्तु के स्थिर स्थिति में बने रहने के लिए लैग्रेंज बिंदु पर कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी से अधिक मजबूत होना चाहिए, 2 बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए, छोटी वस्तु का वेग उच्च होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। लैग्रेंज पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले सभी डैश एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले सभी चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। लैग्रेंज पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन, के सिवन, एस सोमनाथ, राजीव पूनावाला? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम।
ऐसा नहीं कि इसरो के हेड एस सोमनाथ हैं तो आप आदित्य L1 के भी हेड इसी को लगा देंगे, क्योंकि इसरो के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा कि आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 20, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पैलोड भेजे गए हैं? 1, 7, 5, 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। आदित्य L1 मिशन के साथ 7 पैलोड भेजे गए हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।